हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं और हर्षवर्धन जी को आप देख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे साथ पैनल बने हुए हैं। पुनीत, हापुड़ में आप हैं, वेस्ट यूपी की बात, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। हमने देखी ओबीसी की बात कर ली, दलित मुस्लिम की बात कर ली और आप सवर्णों की बात कर रहे हैं, जरा बताइए ग्राउंड पर क्या दिख रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं हापुड़ में इस वक्त सवर्णों के साथ मौजूद हूं और यहां पर हालांकि सवर्ण वोट इस पूरे इलेक्शन में भी ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। सवर्णों से ये बताइए कि एग्जिट पोल जो टीवी 9 भारतवर्ष का वो दिखा रहा है कि 70% से ज्यादा सवर्ण अभी भी बीजेपी के साथ है, एग्जिट पोल नहीं है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ओपिनियन पोल ये हमारा है कि 70% से ज्यादा जो सवर्ण है वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं, जबकि बीजेपी से नाराजगी कहीं ना कहीं थी। आप लोग क्या कहते हैं इस पे? नहीं, मैं इसे नहीं मानता हूँ, 70% नहीं, 100% सवर्ण बीजेपी के साथ है और कोई नाराजगी किसी प्रकार की नहीं है। भाजपा सरकार ने, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई ऊंचा हो या नीचा हो, सबके लिए काम किया है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। जाहिर तौर पर और तमाम लोग मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे, सवर्ण क्या बीजेपी के साथ है अभी भी? बिल्कुल 100% कोई नाराज नहीं है, ये खामखा जो विपक्ष पार्टी है। आपसे बात करते हैं जी, मेरा मानना भी यही है कि स्वर्ण इस समय यूपी में 28% है और मेजोरिटी 90% से ज्यादा स्वर्ण आज भी बीजेपी के साथ ही है। महिलाएं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनमें बात करते हैं, आप क्या कहती हैं स्वर्ण? सर, मेरा कहना यही है कि जो आप ये बता रहे हैं कि स्वर्ण योगी जी के साथ ही हैं, क्योंकि कास्टिज्म को लेकर कुछ ऐसा विरोध नहीं किया है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा वादा किया है कि 33% आरक्षण देंगे नौकरियों में, साथ ही वो कह रहे हैं कि केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा फ्री, उस पर क्या मानना है इनका? वो योगी जी के साथ ही है, कास्टिज्म का कोई इसमें रोल नहीं है। देखिए, आप महिलाएं हैं, अभी अभी घोषणा पत्र अखिलेश यादव जी ने अपना जारी किया, उसमें महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन कहा है, साथ ही शिक्षा फ्री की बात कही है, आप क्या कहती हैं इसमें? क्या लुभावने ऑफर आप लोग मानेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम काम चाहते हैं, हम केवल ऑफर नहीं मानते, हम तो काम को देखना चाहते हैं। जैसे कि पहले भी लॉर्ड मैकाले ने दिया था निष्पंदन, अपनी फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी उन्होंने एजुकेशन के लिए, तो जब उन्होंने इंग्लिश इतने, आज हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, तो क्या हम 70 साल में नहीं कर सकते हैं? तो हमें योजनाओं पे काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ हमें सिर्फ अवसर देने की जरूरत है। किचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाएं, क्या अखिलेश यादव जो लुहावने ऑफर दे रहे हैं आप लोग मानेंगे उनको? नो, नहीं मानेंगे। युवाओं की भी बात करना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए गौरव बहुत इंपॉर्टेंट है, युवाओं से बात करते हैं। युवाओं से ये सवाल जरूर हो कि जाति के आधार पर वोट या काम के आधार पर वोट? जी बिल्कुल, पर लेकिन अभी बिल्कुल हम साथ हैं योगी जी के हर तरीके से। बताइए कि जाति के आधार पर आप वोट देंगे या काम के आधार पर वोट देंगे? जी हम तो काम के आधार पर देंगे और योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, आपसे पूछेंगे आप किसको वोट दे रहे हैं, काम के आधार पर, जाति के आधार पर? देखो ऐसा विकास किया है योगी जी सरकार में, सब जगह विकास हुआ है, चाहे वो रास्ते का हो, रोड का हो, चाहे वो बिजली का हो। जब वो सपा सरकार थी तब बिजली आया नहीं करती थी, तब जनरेटर चला करते थे, जनरेटर बंद पड़े हैं। बिजली का वादा कर रही है, पुनीत इनसे पूछिए, जनरेटर बंद है, पुनीत इनसे पूछिए, सपा तो अब फ्री बिजली दे रही है, वादा किया उन्होंने, सपा फ्री बिजली दे रही है, आप लोग फ्री बिजली लेंगे या बीजेपी की तरफ जाने की बात करते हैं? देखिए सर, बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है जो दिख भी रहा है पटल पर, सपा सरकार सिर्फ लुभावने मौके दे दी है, करा कुछ नहीं है उसने। फ्री बिजली के ऑफर को आप मानते हैं कि जो सपा दे रही है? ये फ्री सिर्फ बहकावा है, 24 घंटे में 8 या 6 घंटे बिजली आती थी, इस समय 24 घंटे में 22 घंटे बिजली आती है और देश हर प्रकार से प्रगति कर रहा है। ये जो रुझान निकल के सामने आ रहा है ना यहाँ पर लोगों का, और खास तौर पर जैसा कि आपने बताया कि आप सवर्णों के साथ हैं, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, रामदत्त त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रामदत्त त्रिपाठी जी, किस तरह से इसे आप देखेंगे? और ये बात तो लगातार कही जाती रही कि भाई जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है और एक पक्षीय कार्रवाइयां होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल के नतीजे और जो राय इस वक्त ग्राउंड से निकल कर आ रही है वो तो बिल्कुल जुदा है। देखिए, जो हमारे यहां सोशल प्रेजुडिसेस हैं, हाँ? तो सोशल प्रेजुडिसेस में अभी भी सवर्ण जो है वो उसकी पहली चॉइस या तो कांग्रेस है या बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही फाइट में, तो जाहिर है कि बीजेपी है। तो उस सोशल प्रेजुडिस के कारण सवर्ण जो है वो पसंद नहीं करता है, उसकी पहली चॉइस ना अखिलेश यादव है ना मायावती, तो उस लिहाज से बात ठीक है। लेकिन बहुत सारे जगह समीकरण लोकल
हॉस्टिलिटी है। जैसे गोरखपुर में आप देखिए कि गोरखपुर में चूंकि मुख्यमंत्री योगी जी की इमेज उस इलाके में ब्राह्मण विरोधी निजी पर्सनल मानी जाती है, न कि बीजेपी की। अच्छा। तो वहां के कई नेता समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए हैं, और जहां ये आपका जो 16% यही दिखा रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण कैंडिडेट होंगे या अपर कास्ट कैंडिडेट होंगे तो वहां उनको भी जाएगा वोट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या जिस स्ट्रेटजी की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की बार बार कि सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है ताकि अगर कल को जरूरत पड़े तो अखिलेश यादव को सपोर्ट किया जा सके, क्या वो सेंधमारी 10% के साथ करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है क्या सवर्ण वोट बैंक में? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सवर्ण मतदाताओं के बीच में कोई भरोसा बना पाई है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि जब ये पिछले 6-8 महीने से सब कुछ शुरू हुआ था तो संयोगवश मैं भी ब्राह्मण ही हूं और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, प्रतापगढ़ गांव। हाँ। तो हम लोग कहां भी जाते थे और कोई कहता था कि नहीं नहीं योगी जी से बड़ी नाराजगी है, और तो पूछते थे कि भाई क्या है। तो दरअसल ब्राह्मण और राजपूतों का उत्तर प्रदेश में, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और अगर हम गोरखपुर कहें तो मठ और हाथे की लड़ाई चलती है। हरशंकर तिवारी जो एक समय में माफिया की छवि थी, फिर बाद में वो उससे धीरे धीरे खुद को निकालने में कामयाब रहे, अब उनके बेटे समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन उनका अस्तित्व आप समझिए कि खुद विनय शंकर तिवारी कई बार दूसरी जगहों से हार चुके हैं, और चिंतूपार विधानसभा सीट, यानी अगर इसको हम ऐसे जोड़ें कि गोरखपुर और बांसगांव में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। हाँ। तो गोरखपुर की तो 5 की 5 भाजपा जीत गई थी, और बांसगांव में आती है चिल्लूपार, तो एक अकेली है चिल्लूपार जिसमें विनय शंकर जीते। वैसे 2 वहां से भी वो हार चुके हैं राजेश त्रिपाठी बसपा से। तो कुल मिला के अगर ये कहें कि ये एक भावनात्मक था अपने हिस्से की लड़ाई, ब्राह्मण भी चाहता था कहीं कुछ कम तो नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन अगर पार्टी के तौर पर देखेंगे तो हर कोई यही कहता है कि वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मुझे लगता है कि जो अभी ग्राउंड पे संवाददाता TV9 के हैं, उन्होंने बातचीत की है, वो साफ साफ बताती है कि उत्तर प्रदेश में सवर्ण मतदाता, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, कायस्थ हो, उसकी क्या स्थिति। ठीक है, परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।